المتوبين شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين إمام الأولين والآخرين سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب الأهالي القدر العظيم الجاه وآله وأصحابه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين میرے انتہائی قابل احترام علماء کرام نعت خوانان عظام اور دیگر تمام حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آمد کی خوشی میں آپ نے اس محفل کا انعقاد کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے آپ کی آمد کی خوشی تو ہے ہی لیکن ایک اور چیز آپ کی اس مسجد میں آ کر مجھے زیادہ مسرور کر رہی ہے زیادہ خوش کر رہی ہے وہ یہ کہ میرے سامنے زیادہ چہرے اکثر چہرے نوجوانوں کے ہیں کئی جگہوں پہ جاتے ہیں تو بوڑھے تو موجود ہوتے ہیں مسجد میں لیکن نوجوان دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں محفل میں نہیں آتے تو یہ بات زیادہ خوشکن ہے کہ آج نوجوان بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں آپ کہیں گے آگے بچے ہیں پیچھے جوان ہیں تو بچوں کا نام نہیں آج کے بچے کل کے جوان تو یہ کل کے جوان ہیں آج آپ آج کے جوان ہیں لہذا یہ محفل جوانوں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کو نبی کی غلامی میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی کو نبی کی غلامی میں قبول فرمائے تو احباب کرام تسی بزرگ ناراض نہ ہو جائیو بزرگ اگے ساڈے سر دے صاحب ہوندے نے جی تو میں نے آپ کے سامنے
कुरान करीम में से आए करीमा तिलावत की है, वो क्या? इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी। अक्सर व बेशतर महफिल के अंदर ये आए करीमा तिलावत की जाती है, पढ़ी जाती है, और हम इस आए करीमा को सुनकर दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। आज मैं कोशिश ये करूंगा कि इस आए करीमा का तर्जमा हमें याद हो जाए, और थोड़ी सी वजाहत करूंगा इस इरादे से, इस नीयत से कि अल्लाह ताला हमें कुरान की किसी एक आयत की समझ अता फरमाए और फिर उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ताला इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते, युसल्लूना दरूद भेजते हैं, आलन नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि, तुम भी नबी पर दरूद भेजो, वसल्लिमु तस्लीमा, और सलाम कसरत के साथ, और सलाम कसरत के साथ। तो इस आये करीमा में अल्लाह ताला अहले ईमान को, अहले कुरान को, नबी के मानने वालों को इस बात से आगाह फरमा रहे हैं कि ए अहले ईमान, जो हमने आपको नबी अता किया है, उसकी अजमत, उसकी शान, उसकी रिफत इतनी बुलंद है कि अल्लाह ताला भी उस पर दरूद भेजता है, अल्लाह ताला भी उस पर दरूद भेजता है। और अगली बात फरमाया कि जो अल्लाह के फरिश्ते हैं वो भी नबी पर दरूद भेजते हैं, और उससे आगे फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ये नहीं कहा कि या अय्युहन्नास, ए लोगो। कई जगह पर कुरान करीम में तमाम मखलूक को मुखातब किया जाता है, इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास, हो ए लोगो कि तुम्हारे पास रसूल आ गया, तो लेकिन यहाँ पर तमाम लोगों को, तमाम इंसानियत को मुखातब नहीं किया, कुछ लोगों को मुखातब किया। वो कौन है? अहले ईमान, या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ए ईमान वालो। तो पस अल्लाह जो काम कर रहा है, उसके फरिश्ते जो काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला की मंशा ये है कि इस काम में मेरे साथ सिर्फ पाक लोग ही शामिल हों, सिर्फ अहले ईमान ही शामिल हों, बाकी लोगों को इस काम के लिए मुखातब ही ना किया जाए। तो इस आये करीमा का माना देखें, मैंने यही गुजारिश की थी ना कि आये करीमा का माना हमें समझ आ जाए। इन्नल्लाहा, इन्ना लफ्ज क्या है जी? इन्ना, ये इन्ना का लफ्ज तहकीक के लिए आता है कि बेशक, बेशक, इन्नल्लाहा व रसूल, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु, कि इसके अंदर कोई शक नहीं है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह और उसके फरिश्ते। यहाँ पर ये भी आ सकता था कि इन्नल्लाहा वल मलाइकतु, कि अल्लाह भी और फरिश्ते भी, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं भी और फरिश्ते भी, बल्कि क्या कहा? मैं भी और मेरे फरिश्ते भी, मैं भी और मेरे फरिश्ते भी। तो ये क्यों ऐसे इरशाद फरमाया? इसलिए ताकि पता चल जाए कि ये जो अगला काम है, जो दरूदो सलाम पढ़ना है, ये जो भी पढ़ेगा वो मेरा हो जाएगा,
जो भी दरूद व सलाम पढ़ेगा उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ हो जाएगा। गोया हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम अपनी निस्बत अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ कायम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता क्या है कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ते रहें। तो इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला व मलाइकतहु और उसके फरिश्ते युसल्लूना दरूद पढ़ते हैं आलम नबी इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो यहाँ पर उलमाए कराम मौजूद हैं और नौजवान भी मौजूद हैं, ऐसे महसूस हो रहा है कि ये भी पढ़े लिखे हैं। बेशक स्कूल थोड़ा पढ़े होंगे, 10 क्लासें पढ़ी होंगे, 12 पढ़ी होंगे, लेकिन इतना तो पता होगा ना कि जुमले दो किस्म के होते हैं, एक जुमला इस्मिया होता है, दूसरा जुमला फेलिया होता है। जुमला इस्मिया जो इस्म से शुरू हो, गलती समझ आ रही कि नहीं, जुमला इस्मिया जो इस्म से शुरू हो और जुमला फेलिया वो जो कि फेल से शुरू हो। तो ये जो तरतीब अल्लाह ताला ने इस फिक्रे के अंदर रखी है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इसके अंदर पहले अल्लाह ताला ने अल्लाह और मलाइका का जिक्र किया। अल्लाह और मलाइका क्या है, जुमला इस्मिया शुरू में आ गए तो ये जुमला इस्मिया बन गया, लेकिन आगे जो है युसल्लूना अलन नबी ये जुमला फेलिया है। समझ आ रही है बेटे कि नहीं, कि क्या है कि इसके अंदर दोनों जुमले इकट्ठे हैं, जुमला इस्मिया भी है और जुमला फेलिया भी है। यहाँ पर एक पते की बात बताऊं जो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, मदारिस के अंदर पढ़ाई जाती है कि जुमला इस्मिया किस लिए आता है और जुमला फेलिया किसके लिए आता है। तो हमारे असातिजा हमें बताया करते थे कि जो जुमला इस्मिया है ये तहक्कुक और इस बात के लिए आता है और जो जुमला फेलिया है ये तहदुस और हुदूस के लिए आता है। जुमला इस्मिया तहक्कुक को इस बात के लिए आता है, तहक्कुक को इस बात का माना क्या होता है कि ये काम वाकई पुख्ता है, पहले से चला आ रहा है, इसको कभी किसी ने छोड़ा नहीं, इससे पहले किसी ने छोड़ा नहीं। और जो जुमला फेलिया है वो किस लिए आता है, वो हुदूस के लिए आता है कि जो काम आज तक हुआ वो तो मुतहक्किक हो गया, वो तो साबित हो गया, लेकिन इसके बाद अगर होता रहे तो उसके लिए जुमला फेलिया इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर दोनों जुमले इकट्ठे फरमाए इस तरफ इशारा करने के लिए कि लोगों याद रखना हजरत मोहम्मद मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम वो अजीम शख्सियत है जिन पर दरूद पढ़ना पहले से मुतहक्किक है, पहले से साबित है और कयामत तक के लिए ये सिलसिला चलता रहेगा, कयामत तक के लिए ये सिलसिला चलता रहेगा। शुरू से कैसे कि उस शुरू से इसलिए कि कायनात की इब्तिदा कहां से हुई, कायनात की इब्तिदा कहां से हुई, कहते हैं मा काना मा यकून, मा काना से हुई, जो हो गया, लेकिन जो कुछ हुआ वो कब हुआ, मेरे आका हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की तखलीक के बाद हुआ। पहले मेरे आका के नूर को अल्लाह ने तखलीक किया, उसके बाद फिर आपकी आपके नूर से तमाम कायनात जितनी भी चीजें हैं उन तमाम को तखलीक किया, लेकिन जब मेरे आका हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को अल्लाह ताला ने तखलीक फरमाया तो मेरा रब उस वक्त से मौजूद है। याद रखना जो जात बाकी हो,
जिसे फना ना हो उसके फेल भी बाकी होते हैं, उन्हें फना नहीं होता। माना ये हुआ कि हमारे रब अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसे बाकी हैं, उन्हें फना नहीं है, तो उनके किसी फेल को भी फना नहीं है, उसका फेल भी बाकी है। तो मेरे रब का फेल क्या है? अपने नबी पर दरूद भेजना। तो जैसे मेरे रब की जात अजल से है, अब तक रहेगी, जब तक मेरा रब है, रब मोहम्मद मुस्तफा पर दरूद भेजता रहा था, भेज रहा है, भेजता रहेगा, बाकी मखलूक हो या ना हो, मेरा रब बाकी रहेगा। कुल्लू अलैहा फान व यब कुल्लू मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बी का जुल जलाल वल इकराम। तमाम चीजें क्या हो जाएंगी? फना हो जाएंगी, लेकिन रब की जात बाकी रहेगी। मेरा रब जब तक बाकी रहेगा, मेरे नबी पर दरूद व सलाम होता रहेगा, मेरे नबी पर दरूद व सलाम होता रहेगा। याद रखना, ऐसा वक्त भी आएगा कयामत के से पहले, जब कयामत होगी, कायनात सारी खत्म हो जाएगी, कायनात सारी खत्म हो जाएगी। जब मखलूक सारी खत्म हो गई, तो फिर अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र खत्म हो जाएगा, बेशक थोड़ी देर के लिए हो या ज्यादा देर के लिए। जब सूर फूंका जाएगा, तमाम मखलूक खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला की जात बाकी रहेगी। मखलूक खत्म हो गई तो मखलूक ने खालिक का जिक्र करना है। शायद उस वक्त कोई ऐसा ना हो जो अल्लाह का जिक्र करने वाला हो, लेकिन उस वक्त भी मेरे रब की जात होगी जो अपने नबी पर दरूद व सलाम भेजती रहेगी। अल्लाह अकबर। पिछले दिनों एक जगह एक शाह साहब खिताब फरमा रहे थे, ये जो मसला मैंने बयान किया थोड़ा मुश्किल अंदाज में बयान किया, मुश्किल अंदाज में बयान किया, उन्होंने ऐसे बड़े अच्छे अंदाज में और आम फेम अंदाज में बयान किया। मुझे वो बात उनकी बड़ी पसंद आई, मैंने कहा चलो आपको भी सुना दूं। ऐ तबीयत सुना दूं। क्यों भाई? ऐ तबीयत। तो वो शाह साहब क्या फरमा रहे थे, वो कहते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी क्या है? मोहम्मद। आपका इसमें ग्रामी क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो कह रहे थे कि मोहम्मद के हरूफ कौन कौन से हैं? मीम खा मीम दाल, मीम खा मीम दाल। तो कह रहे थे कि जो पहला मीम है, वैसे तो लोगों ने क्या है कि इसके बड़े बड़े मफाहिम अखज किए हैं, बड़े बड़े इसके मानी बयान किए हैं, लेकिन वो जो शाह साहब कह रहे थे ना, मुझे वो बड़ा पसंद आया। तो वो कहते हैं कि जो पहला मीम है वो है माजी का, जो पहला मीम है वो है माजी का, है ना? तीन जमाने हैं ना, और त्रै जमाने से पड़े जिन ना, चलो हम टेंस नहीं पूछते, उर्दू में कह लेते हैं कि तीन जमाने वो तो आपने पढ़े ही हैं। तीन जमाने कौन कौन से हैं? माजी, हाल और इस्तकबाल। इस्तकबाल को मुस्तकबल भी कहते हैं। तो कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की जो पहली मीम है वो माजी से है, पहली मीम माजी से है। जो खा है वो हाल से है, और जो दूसरी मीम है वो मुस्तकबल से है। पहले मीम माजी से, खा हाल से, दूसरी मीम मुस्तकबल से, और पीछे रह गई दाल। वो कहते हैं ये क्या है? ये दरूद और सलाम से है, जिसका माना ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम माजी में भी होता रहा, हाल में आज भी हो रहा है, और मुस्तकबल में भी होता रहेगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इसमें गरामी ही ये बयान कर रहा है कि मोहम्मद पर दरूद माजी में भी था, हाल में भी है, मुस्तकबल में भी होगा, और इस तमाम मिलकर तभी मोहम्मद की जात बनती है।
तो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं, अलन नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये आला नबी, एक होता है आला नबीन, एक है आलम नबी। आला नबीन और आलम नबी, आला नबीन नहीं कहा बल्कि इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर दिया। ये अलिफ लाम किस लिए के लिए आता है? तारीफ के लिए आता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद पढ़ते हैं। किस नबी पर पढ़ते हैं? ऊपर अलिफ लाम लग गया और तख्सीस कर दी, खास कर दिया कि हर नबी पर अल्लाह की जात दरूद नहीं भेजती बल्कि एक खास नबी है जिसे नबी उम्मी कहते हैं, उन्हीं पर अल्लाह ताला की जात दरूद भेज रही है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, तुम भी क्या करो कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो। सल्लू स्वाद के साथ है ना, ये जो सल्लू है तवज्जो करे ना जरा कि सल्लू सीन के साथ है, स्वाद के साथ है, स्वाद के साथ है। सल्लू अलैहि, सल्लू अलैहि, इसका माना क्या है? दरूद पढ़ा करो आगे आप पर, और आगे की आगे वसल्लिमु, अब सीन के साथ है वसल्लिमु, और सलाम भेजा करो, और सलाम भेजा करो, दरूद पढ़ा करो और सलाम भेजा करो। और उससे आगे फिर लफ्ज आ गया तस्लीमा, वसल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तो तसल्लिमु वसल्लिमु तस्लीमा, इसका मैंने ये माना किया था कि खूब सलाम भेजा करो, खूब सलाम भेजा करो। उलमाए कराम मौजूद हैं, इनको पता है कि जब पहले कोई फेल आ जाए, फेल के बाद उसका मस्दर जिक्र किया जाए तो उसकी ताकीद बयान करने के लिए आता है सल्लू दरूद पढ़ा करो, लेकिन वहां पे ताकीद नहीं लगाई, लेकिन सलाम के साथ ताकीद लगा दी, इसलिए कि अल्लाह को पता था कि ऐसे लोग भी आएंगे, नबी को मानेंगे, नबी पर दरूद को भी मानेंगे, लेकिन सलाम की बारी उन्हें जरा मसला बनेगा। तो अल्लाह ने कहा कि तसल्लिमु तस्लीमा, सलाम खूब पढ़ा करो, खूब सलाम भेजा करो। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर किसी उम्मती का सलाम, किसी उम्मती का सलाम मुझ तक पहुंचता है तो मैं उसका सलाम, उसके सलाम का जवाब भी देता हूं। तो इसलिए इस आये करीमा के अंदर हमें कितनी चीजों का हुक्म है, कितनी चीजों का हुक्म है? ओपा जी हाथ दस्ते से लगे और मेरी गलती तो सुना। इस आया करीमा के अंदर दो चीजों का हुक्म है, कितनी चीजों का, कितनी चीजों का हुक्म है? दो चीजों का हुक्म है, एक दरूद का और दूसरा किस चीज का? सलाम का। एक दरूद का हुक्म है, दूसरा सलाम का हुक्म है, और दरूद के साथ ताकीद नहीं लगाई, सलाम के साथ ताकीद लगाई है। और सलाम कैसे पढ़ा जाता है, दरूद कैसे पढ़ा जाता है? तो सहाबा कराम ने जब अत्तहियात पढ़ा, जब अत्तहियात, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, सहाबा कराम ने ये पढ़ा, जाके अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें सलाम कहने का तरीका तो आ गया है, सलाम कहने का तरीका आ गया है, हमें दरूद भी सिखा दीजिए। तो सलाम कहने का तरीका क्या था? यही था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, कि ए अल्लाह के नबी आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमत हो और अल्लाह की बरकतें आप पर हो। तो गोया नमाज ने हमें क्या किया, सलाम कहने का तरीका सिखा दिया कि अपने नबी पर सलाम
सलाम कैसे कहा जाएगा? अस्सलाम अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। और बाद में दरूद पढ़ने का तरीका सिखाया, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब अगर कोई ये कहे कि ऐसा सलाम न कहो जिसमें काफ आ जाए, मुखातिब के अल्फाज आ जाएं कि नबी तुझ पे सलाम, तो उससे हम ये पूछ सकते हैं कि जब तुम नमाज के अंदर अत्तहियात पढ़ते हो तो वहां पर अस्सलामु अलैका के अल्फाज कहते हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, लेकिन नमाज से बाहर अस्सलामु अलैका क्यों नहीं कहते? तो शायद वो कुछ लोग कहते हैं ये हिकायतन कहा जाता है। याद रखना, नमाज हिकायतन नहीं पढ़ी जाती, हकीकतन पढ़ी जाती है। मैंने क्या कहा? नमाज हिकायतन नहीं है, हकीकतन है। इसके अंदर जो कुछ हम पढ़ते हैं और जो कुछ मांगते हैं हम दिल से कह रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ए अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, ए अल्लाह तू रहमान है तू रहीम है, हम दिल से इकरार कर रहे होते हैं, मालिकी यौमिद्दीन, दिल से इकरार कर रहे होते हैं कि तू कयामत के दिन का मालिक है, इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम, हम हाथ बांध के मांग रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमें हिदायत नसीब फरमा, हम मांग रहे होते हैं, है ना? तवज्जो, नमाज के अंदर हम दिल से सारा काम कर रहे होते हैं, अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं, अल्लाह की रहमानियत और उसकी रहमियत को बयान कर रहे हैं, अल्लाह की शान को बयान कर रहे हैं। जब मांग रहे हैं तो हकीकत में मांग रहे होते हैं। इसी तरीके से जब हम आते हैं इस जगह पर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, तो इसे कैसा पढ़ना चाहिए? तो याद रखना, इसके बारे में मुफस्सिरीन कराम जलाल बीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुमने अल्लाह की हम्द व सना बयान की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये कह दिया, मालिकी यौमिद्दीन ये कह दिया, दो रक्तों में ये कह दिया, उसके बाद अत्तहियात पे आके तुमने कहा कि अल्लाह मेरी सारी इबादतें तेरे लिए हैं, ए अल्लाह मेरी सारी इबादतें तेरे लिए हैं। तो तू ये जहन के अंदर तसव्वुर ला कि जिस वक्त तूने अल्लाह की हम्दो सना बयान कर दी तो अल्लाह ताला ने तेरे लिए अपना दरवाजा खोल दिया, तेरे लिए अपनी रहमत का दरवाजा खोल दिया। अगर मैं ये कहूँ कि ये के बल्कि ये तसव्वुर कर ले कि अल्लाह ने अपने अर्श का दरवाजा तेरे लिए खोल दिया, अब जब अल्लाह के अर्श का दरवाजा खुल गया, तू वहां पे बैठा हुआ है, कह रहा है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, तो उलमाए कराम ये लिखते हैं यहाँ पर हिकायत नहीं बल्कि हकीकत में तुझे तसव्वुर होना चाहिए कि मैं अब अल्लाह की बारगाह में पहुंच गया हूं, अब मैं अल्लाह की बारगाह में पहुंच गया हूं, और उधर ही तुझे ख्याल आना चाहिए कि जिस रब की बारगाह में मैं पहुंचा हूं, इस रब तक पहुंचाने वाला मुझे मेरा नबी है, इस जगह तक पहुंचाने वाला मुझे मेरा नबी है। साथ ख्याल होना चाहिए कि जिस जगह में नबी के तवस्सुल से पहुंचा, नबी के वसीले से पहुंचा, इस जगह नबी पहले से मौजूद है, उन्हें मौजूद समझ के कह देना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलाम अलैका अय्युहन नबियो। तो जब नबी को हाजिर समझ के नमाज के अंदर अस्सलाम अलैका के अल्फाज जायज हैं, तो बाद में भी दरूद व सलाम पढ़ना क्या है? जायज है। बाद में भी दरूद व सलाम पढ़ना जायज है। तो अहबाब कराम, हमें क्या करना चाहिए? कसरत से दरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। कितना पढ़ना चाहिए जी? कसरत से दरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वास्हाबिहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, मेरे नबी के एक सहाबी हैं, उनका नाम है उबई इब्ने काब। सहाबी का नाम क्या है? उबई इब्ने काब। उबई सहाबी का नाम है और काब के बेटे हैं, मिला के उबई इब्ने काब ये नाम है।
हर सहाबी को नबी से बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन उबैय इब्न काब एक सवाल करते हैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल करते हैं और क्या कैसे अर्ज करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इन्नी उक्सिरु सलाता अलैका, या रसूल अल्लाह मैं आप पर बड़ा दरूद पढ़ता हूँ, मैं आप पर कसरत से दरूद पढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा दरूद पढ़ता हूँ, फकम अजअलु लका मिन सलाती, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपनी इबादत में से कितना वक्त आप पर दरूद शरीफ पढ़ा करूँ, अपनी इबादत में से कितना वक्त आप पर दरूद शरीफ पढ़ा करूँ। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया माशे था जितना तेरा तबीयत चाहे, जितनी तेरी तबीयत चाहे दरूद पढ़ लिया कर। तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रुबा, क्या मैं अपनी इबादत जो आपकी करता हूँ उस इबादत के चार हिस्से कर लूं और चौथाई हिस्सा आप पर दरूद और सलाम पढ़ूं, ये काफी है? तवज्जो नहीं, कितना जी, जितनी देर में इबादत करता हूँ उसका चौथाई हिस्सा, अगर मैं चार घंटे इबादत करता हूँ तो एक घंटा, आठ घंटे करता हूँ तो दो घंटे। सहाबा कराम बड़ी बड़ी इबादत करते थे, उनकी जिंदगियां उठा के देखें तो सहाबी क्या है कि खड़े हो जाते हैं, दस दस सुपारे एक एक रकात में पढ़े आ रहे हैं, सहाबी खड़े हो जाते हैं पूरा कुरान दो रक्तों में पढ़कर फिर सलाम फेरते हैं, उनकी इबादत की बातें ही क्या। तो बहरहाल सहाबी क्या पूछ रहे हैं कि अपनी इबादत का कितना वक्त में आप पर दरूद शरीफ, दरूद शरीफ पढ़ने पे गुजारूं। तो आपने इरशाद फरमाया जितना चाहता है, सहाबी ने अर्ज क्या की चौथाई वक्त, तो आपने इरशाद फरमाया माशे था जितना तू चाहता है ठीक है, फाइन जिद्दा फवा खैरुन लका, लेकिन चौथाई से ज्यादा कर ले तो ये तेरे लिए बेहतर है, चौथाई से ज्यादा कर ले तो ये तेरे लिए बेहतर है। वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निस्फा, अन्निस्फा, तो फिर मैं ऐसा कर लेता हूँ कि अपनी इबादत के औकात को दो हिस्सों में कर लेता हूँ, एक हिस्सा यानी क्या है कि अगर मैं चार घंटे इबादत करता हूँ तो दो घंटे में नफल पढ़ूंगा, दो घंटे दीकर जिक्र अस्कार करूंगा और दो घंटे आप पर दरूद व सलाम पढ़ूंगा, क्या ये काफी है? तो मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया माशेता जितना तू चाहता है ठीक है, फैन जिद्दा फहुवा खैरुन लका, लेकिन अगर तू इससे ज्यादा कर ले तो और बेहतर है, इससे ज्यादा कर ले तो और बेहतर है। वो सहाबी रसूल कहते हैं अस-सुलुसैन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं फिर ऐसा करता हूँ कि वक्त के तीन हिस्से कर लेता हूँ, वक्त के तीन हिस्से कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर छह घंटे में इबादत करता हूँ तो दो दो घंटे क्या है तीन हिस्से बने, तो अस-सुलुसैन उनमें से दो सलस यानी चार घंटे में दरूद शरीफ पढ़ूं और बाकी दो घंटे बाकी इबादत कर लूं। तो मेरे आका ने फिर क्या कहा माशे था जितना तेरा दिल चाहे, जितनी तेरी तबीयत माने, फाइन जिद दफा हुआ खैरुन लका, लेकिन इससे भी ज्यादा दरूद शरीफ पढ़े तो ये तेरे लिए बेहतर है, इससे भी ज्यादा दरूद शरीफ पढ़े तो ये तेरे लिए बेहतर है। तो फिर वो क्या कहता है, उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैं अपने सारा वक्त, अपना सारा वक्त आप पर दरूद शरीफ ही पढ़ता रहूंगा। तो मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, मेरे नबी ने जो चीज जो जवाब इरशाद फरमाया ना वो आज हमारे लिए बड़ा मुनासिब है, अगर आज हम उसको सोचे ना तो यूं समझे कि हमारे लिए ही नबी ने इरशाद फरमाया। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि पहले मैं और बाद में हम सब, आप सब गुनाहों से हम नहीं बच सकते, गुनाह करते रहते हैं, हमसे गुनाह हो जाते हैं, क्या है कि हमारा इरादा हो तो फिर भी हो जाते हैं, इरादा ना हो तो फिर भी हो जाते हैं, एक चीज। और दूसरी चीज क्या है, हमें बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी परेशानियां हैं, टेंशन है, नौजवान है तो क्या है कि पहले वो क्या है उनकी तालीम पूरी नहीं होती, तालीम पूरी हो जाए तो फिर कारोबार नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, फिर क्या करते हैं परेशानी हो जाती है, मैं दसवीं की थी, मैं बारहवीं की थी, मैं चौदहवीं की थी, उन के यार कोई जॉब ही नहीं मिलता, तो परेशानियां हैं। लेकिन उस सहाबी ने क्या कहा, सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं सारा वक्त
آپ پر درود و سلام پڑھنے میں بسر کر دوں تو پھر میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذن تکفا ہمکا، اے میرے صحابی اگر تو سارا وقت مجھ پر درود و سلام پڑھنے میں بسر کر دے تو یاد رکھنا اذن تکفا ہمکا، تیری جتنی بھی خواہشات ہیں، تیری جتنی بھی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، تیری جتنی بھی حاجتیں ہیں اللہ پوری کر دے گا، تکفا ہمکا تیری ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور جو دوسری بات ہے گناہ، اور آگے ارشاد فرمایا ویغفر لک ذنبک، تیرے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو خود سوچیں اگر ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں، اگر ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں اور ہمارے جتنے گناہ ہیں ان کا کفارہ ادا ہو جائے تو پھر کس چیز کی ہمیں پریشانی ہے؟ تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے، اگر آپ یہ جاتے ہیں کہ تمہیں رزق کی کمی ہے تو درود شریف پڑھو، اگر رزق کی کمی ہے تو درود شریف پڑھو، عزت کی کمی ہے تو درود شریف پڑھو، اگر تمہارے گھر کے اندر بے برکتی ہے تو درود شریف پڑھو، اگر تمہارے گھر میں جھگڑا فساد ہوتا ہے تو درود شریف پڑھو، اگر تمہارا وقت ضائع ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا وقت گزر جاتا ہے تو درود شریف پڑھو۔ اور اس سے اگلی بات، اگر اس سے پہلے تو نے اپنا وقت گناہوں میں بسر کیا ہے، گناہوں میں بسر کیا ہے، بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے لیے کفارہ دینا پڑتا ہے، کئی کئی دن روزہ رکھنا پڑتا ہے، بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے لیے کوڑے کھانے پڑتے ہیں، لیکن میرے نبی پر درود پڑھتے چلے جاؤ، اپنا سارا وقت نبی پر درود پڑھنے میں بسر کر دو، تمہاری حاجتیں بھی ساری پورے ہو جائیں گی۔ وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنبُكَ، ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، دوسری جگہ الفاظ یہ يُغْفَرُ لَكَ ذَنبُكَ، فرمایا تیرے جتنے بھی گناہ ہیں ان کا کفارہ ادا ہو جائے گا، جتنے بھی گناہ ہیں سارے معاف ہو جائیں گے۔ تو لہذا اس محفل میلاد سے اٹھنے کے بعد آپ تمام دوستوں نے، خواہ وہ بچے ہیں یا جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، ایک اسی حدیث پہ عمل شروع کر دینا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب مجھے پریشانی ہے تو میں نبی پہ درود پڑھوں گا، جب پریشانی آئی تو میں نبی پہ درود پڑھوں گا۔ اس وظیفے کو تم اپنا لو، میں اس منبر رسول پہ بیٹھ کے قسم اٹھاتا ہوں کہ اگر تم نے اس وظیفے کو اپنا لیا، جب بھی تکلیف آئے، جب بھی پریشانی آئے، تم نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، باوضو ہو کر مدینہ شریف کی طرف منہ کر لیا اور درود شریف پڑھتے رہے اور ساتھ یہی کہتے رہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقو خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا، یا رسول اللہ میں نے تیری حدیث سنی ہے، تیرا یہ فرمان ہے، اگر کوئی حاجت ہو تو مجھ پہ درود پڑھا کرو، اگر گناہ زیادہ ہو جائے تو مجھ پہ درود پڑھا کرو، یا رسول اللہ میں نے اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیا، اب میری دستگیری کرنا آپ ہی کا کام ہے، ابھی اس محفل سے اٹھو گے نہیں آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، محمد ہمارے بڑی شان والے، 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ احباب کرام، جب درود شریف پڑھیں تو حاجات ساری پوری ہو جاتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بھی اس سے اگلی فضیلت اس کی، وہ کیا ہے؟ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا تو گزر ہی جانی ہے، اگر کیا اچھے حالات نہ ہوئے تو مشکل سے ہی گزر ہی جائے گی، لیکن محشر کے بعد جنت میں اللہ تعالی ہمیں جنت میں